तो नमस्कार, मैं हूँ रमेश मौर्य। आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का 2019 का क्वेश्चन पेपर हल करते हैं। ठीक है, 2019 में कैसा पेपर आया था आप लोग देख लीजिए, क्योंकि 20 में आपको पेपर देना है। और सारे निर्देश पढ़ लीजिए कैसे क्या लिखना है, और पेपर 2019 का पूरा हल करते हैं। और देख लीजिए, एक क्वेश्चन पेपर है 2019 का जो मुझे मिला है। ये क्वेश्चन रियल पेपर है, रियल क्वेश्चन पेपर है, ऐसे में आया था। प्रश्न पुस्तिका देखिए, पेपर सातवां रहता है इंग्लिश, द्वितीय सेमेस्टर 2019 का पेपर है ये। ठीक है, जो कि हमारे घर के ही पेपर है, पड़ोस में। ठीक है, तो अंकल के घर की लड़की थी जो दी थी, वो पेपर आप देख लीजिए। सप्तम प्रश्न पत्र है अंग्रेजी। अब इसमें क्या है कि पूर्णांक आपको 25 नंबर का रहेगा, समय 1 घंटे का रहेगा। अब निर्देश देख लीजिए क्या स्केच लिखा रहेगा पेपर में। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक सम्मुख दिए गए हैं। और इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठों के प्रश्नों के सही विकल्प छाँट कर अपनी पुस्तिका में लिखें, मतलब जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 शब्दों में, लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखना चाहिए। आप हमेशा कन्फ्यूजन रहते हैं कि कितने में लिखें, तो देख लीजिए पेपर में ऐसे लिखा रहेगा। लघु उत्तरी जो रहेंगे 25 शब्दों में, और लघु उत्तरी रहेगा जो 75 वर्ड में, यानी एक नंबर वाले 25 में, 2 नंबर वाले 75 में लिखना है आपको। मतलब एक जनरल आंकड़ा है कि 75 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कम में ही आपका मैटर हो जा रहा है तो ठीक है, 25 वर्ड तक आप लिख सकते हैं एक नंबर वाला। मान लीजिए सटीक पूछा है तो आप थोड़े में भी लिख सकते हो। इस तरह से ये निर्देश है, तो आप इतना तक लिख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो आया है, ए लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, भाषा को एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना, प्राप्त किया जा सकता है थ्रू माने से होकर। भाषा को किस चीज़ से होकर प्राप्त किया जा सकता है, किस चीज़ से, थ्रू मतलब से या के माध्यम से, किस चीज़ के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। पहला है एक्सपोजर, EXPOSURE। ठीक है, एक्सपोजर माने होता है पहुँचाना, मतलब टीचर अपने माध्यम से बच्चों के दिमाग तक बात को पहुँचाता है, सही है। मोटिवेशन माने अभिप्रेरणा, प्रेरित होते हैं बच्चे। ठीक है, ये भी है, मोटिवेशन पाते हैं, हाँ हम भी सीखें, ये भी सही है। तीसरा है रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब पुनरावृत्ति, बार बार आप पढ़ेंगे तो भाषा को क्या करेंगे, सीखेंगे, दोहराएंगे, बिना रिवीजन के डिवीजन आपका नहीं बन पाएगा, तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हम क्या करें, तीनों ऑप्शन जो है, तीनों बातें सही बैठ रही हैं। ऑल ऑफ द अबव चौथा ऑप्शन है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से पहले में आपका ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से चलिए दूसरा देखते हैं। व्हाट आर टू प्रोडक्टिव स्किल, दो प्रोडक्टिव स्किल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले 18 में पूछा गया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। तो दो प्रोडक्टिव स्किल क्या है, तो इसमें आपको लिसनिंग स्पीकिंग करें कि ठीक है, सुनना बोलना ये नहीं है, स्पीकिंग राइटिंग ये आपके सही है। स्पीकिंग और राइटिंग ये दो जो है इनको प्रोडक्टिव स्किल कहा गया है, इसलिए ऑप्शन आपका दूसरा सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह से एक एक नंबर कराते हैं ऑब्जेक्टिव। द एम ऑफ ठीक है टीचिंग ए सेकेंड लैंग्वेज शुड नॉट बी, तो कह रहे हैं कि सेकंड लैंग्वेज द्वितीय भाषा को सीखने का एम उद्देश्य शुड नॉट बी नहीं होना चाहिए। मतलब जो भाषा हम दूसरे, जैसे इंग्लिश हमारे लिए सेकंड लैंग्वेज है, फॉरेन लैंग्वेज भी है, सेकंड लैंग्वेज भी है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी है, तो उसके लिए क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए टीचिंग का। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। पहला है टू अंडरस्टैंड ए लैंग्वेज स्पोकन, बोल चाल की भाषा को समझना। टू रीड द लैंग्वेज विथ कम्प्रहेंसन, भाषा को कम्प्रहेंसन के साथ समझना, तो ये भी सही नहीं है। तीसरा टू फॉरगेट द मदर टंग, मातृभाषा को भूल जाना, ये बात इसमें करेक्ट बैठ रही है कि मतलब भाषा, दूसरी भाषा को ठीक है टीचिंग का उद्देश्य जो है ये नहीं होना चाहिए कि मदर टंग को भूल जाएं, क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, अगर हिंदी भूल जाएंगे तो कैसे सीख पाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में पहले हिंदी ही आएगा, मातृभाषा वही है, तो इसलिए मदर टंग को भूलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से टू फॉरगेट द मदर टंग ये जो है शुड नॉट बी ठीक है होना चाहिए सेकंड लैंग्वेज के टीचिंग का, ये नहीं होना चाहिए। इस तरह ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तीसरे के बाद हम चौथा क्वेश्चन देख ले रहे हैं जो आया है। 5 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव आएंगे। पहला हाँ, विच कंपोजिशन प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स फॉर फ्री थिंकिंग, कौन सी कंपोजिशन मतलब रचना या लेख प्रोवाइड्स प्रदान करता है स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को फॉर फ्री थिंकिंग, स्वतंत्र सोचने के लिए कौन सा लेख विद्यार्थियों को प्रदान करता है। पहला है राइटिंग कंपोजिशन, ठीक है राइटिंग मतलब लिखना, लिखने का लेख। ठीक है, दूसरा ओरल कंपोजिशन मौखिक लेख, गाइडेड कंपोजिशन मतलब मार्गदर्शन से लिया गया लेख, फ्री कंपोजिशन।
तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो है ये सभी सही नहीं होंगे, फ्री कंपोजिशन ही इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए विद्यार्थियों को स्वतंत्र सोचने के, फ्री कंपोजिशन मतलब स्वतंत्र होकर अगर कोई रचना करेंगे, लेख लिखेंगे, तब भी वो जो है फ्री थिंकिंग कर पाएंगे। बिना स्वतंत्रता के आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। हमेशा आपके दिमाग में इधर उधर की बातें चलती रहती हैं, झमेला दुनिया भर की प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस तरह से फ्री कंपोजिशन इसका आंसर होगा। ये जो है फ्री थिंकिंग के लिए विद्यार्थियों को ठीक है मोटिवेट करता है, ठीक है। यही कंपोजिशन विद्यार्थियों को फ्री थिंकिंग प्रदान करता है। फ्री कंपोजिशन फ्री थिंकिंग जो है प्रोवाइड्स करता है विद्यार्थियों को, इतना याद कर लीजिए। ये सभी क्वेश्चन एक नंबर में भी वैसे भी आ सकते हैं कि विच कंपोजिशन, ये ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो आपको लिखना पड़ेगा फ्री कंपोजिशन, इसलिए आप इसको याद कर डालिए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोर्ट्रेज, पोर्ट्री पढ़ाने का उद्देश्य है क्या होता है? देखिए इंजॉयमेंट है, कंपोजिशन है, अप्रिसिएशन है, ऑल ऑफ द दीज है। तो दोस्तों पोएट्री पढ़ाने का उद्देश्य देखिए आनंद, तो पोएट्री कहा गया पोएट्री इंटरेस्टिंग होती है, आनंद मिलता है, प्रोज नीरस होता है, कहा गया ऐसा। पोएट्री मतलब ऐसे हिंदी के हमारे जो गाने चलते हैं उसी तरह से इंग्लिश में अंग्रेजों के गाने, तो पोएट्री है तो सीधी सी बात इंजॉय मिलेगा। कंप्रहेंशन, कंप्रहेंशन मतलब समझ, तो कंप्रहेंशन हमारे अंदर आती है तो सही है। पोएट्री को पढ़ाओ तो बच्चों को समझ में आना चाहिए सब, मतलब उससे कभी क्या कहना चाहता है, तो ये कंप्रहेंशन भी। अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन माने होता है गुण सौंदर्य की आलोचना या प्रशंसा, तो ये भी होनी चाहिए। इस तरह से आप ऑल ऑफ दीज, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोर्ट्रीज ऑल ऑफ दीज। तो इस तरह से पांच क्वेश्चन है ये ऑब्जेक्टिव थे। चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। वेरी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन इसके बाद आएगा, सभी के एक नंबर के रहेंगे। तो वेरी शार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देखते हैं। पहला है चेंज द फॉलोइंग इंटू पैसिव वॉइस, निम्नलिखित को पैसिव वॉइस में बदलो। तो मैं आंसर बोल दे रहा हूँ, आप इसको याद कर लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, ठीक है। तो चेंज द पैसिव वॉइस क्या, ऑल ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, उसके सभी दोस्त उस पर हंसे। दोस्तों अगर आपको पैसिव वॉइस नहीं आती तो आप डीएलएड प्लेलिस्ट में जाइए इसी चैनल के, आप उसमें एक्टिव पैसिव की एक ही वीडियो में हम पूरा एक्टिव पैसिव कवर किए हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, डीएलएड के लिए स्पेशली बनाया गया है, तो आप उसको जरूर देख लीजिए। तो ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, उसके सभी दोस्तों, ठीक है, ऑल हिज फ्रेंड्स, उसके सभी दोस्त लाफ्ड एट हिम, उस पर हंसे। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आप इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना जाता है एक्टिव पैसिव। ऑल हिज फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट है, हिम जो है ऑब्जेक्ट है, कि लाफ जो है अकर्मक क्रिया थी, एट लगा के उसको सकर्मक बनाया गया है। तो जिस तरह से किसी क्रिया के साथ प्रीपोजिशन लगाया जाता है, फ्रेजल वर्ब हो जाता है, तो उसको पैसिव वॉइस में लिखते हैं हम। तो इसमें क्या किया जाएगा, ही, ये आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद लाफ सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो वाज लगेगा, ठीक है, पास्ट टेंस डिफरेंस होगा, ही वाज, ठीक है। उसके बाद आप लाफ्ड एट पूरा लिखिए, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ही वाज लाफ्ड एट, उसकी हंसी उड़ाया गया, लाफ्ड एट पूरा रहेगा। उसके बाद बाई करके ऑल हिज फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट है, तो इसको आप सेम टू सेम लिख दीजिए, आप देखिएगा ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स, ठीक है, उसकी उसके सभी दोस्तों द्वारा हंसी उड़ाया गया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, ही वाज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लीड इज हैवियर, ठीक है, देन ऑल अदर मेथड्स, करें कि चेंज द फॉलोइंग इंटू सुपरलेटिव, इसको सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है। तो सुपरलेटिव डिग्री, अगर दोस्तों डिग्री के बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप दो के बीच तुलना किया जाता है, दो से ज़्यादा के बीच में भी तुलना किया जाता है, जिसमें एक बिना वन ऑफ वाला आता है सुपर डिग्री, सुपरलेटिव एक वन ऑफ वाला आता है, तो दोनों के अलग अलग नियम हैं। इसके बारे में हम तीन पार्ट में बहुत विस्तृत वीडियो बनाए हैं, आप उसको डीएलएड के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, प्लस जो है प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं कटेगा इससे। तो चलिए देख लेते हैं। लीड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स, लीड जो है सीसा जो है करें कि सभी अन्य धातुओं से अधिक भारी होता है, तो इसको जो है सुपरलेटिव करना है, तो आप कर लीजिए, ठीक है। सुपरलेटिव बनाते समय कंपरेटिव और सुपरलेटिव का, यानी जो कंपरेटिव सुपरलेटिव दोनों का सब्जेक्ट वर्ब वही रहता है, इसलिए आप सबसे पहले कर दीजिए लीड इज, सीधे सीधे वही रहेगा, ठीक है, कंपरेटिव सुपरलेटिव। उसके बाद देखिए होता क्या है कि सुपरलेटिव बनाते हैं तो ये हैवियर जो है इसका सुपरलेटिव डिग्री हैवीएस्ट होता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द जरूर लगा देते हैं, तो लीड इज द हैवीएस्ट, इतना हो जाएगा, क्लियर। अब उसके बाद जो है ऑल द अदर मेटल, देन ऑल तो लगाया जाता है, तो उसके जगह जो है आपको क्या करना है, ऑफ ऑल कर दीजिए, ऑफ ऑल, ठीक है, तो ऑफ ऑल
मेटल्स कर दीजिए, क्लियर। तो इस तरह से हो जाएगा, देखिए फिर से बता दे रहे हैं, लीड इज, तो सब्जेक्ट वर्ब सुपरलेटिव वही रहता है, इसलिए आप भी कर दीजिए लीड इज, उसके बाद हैवियर का सुपरलेटिव बनाएंगे द हैवीएस्ट हो जाएगा, लीड इज द हैवीएस्ट, उसके बाद ऑफ ऑल मेटल्स ये हो जाएगा। कह रहे हैं कि शीशा जो है सभी धातुओं से अधिक भारी होता है, तो हम पैसे वैसे में क्या कहेंगे, तो लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, शीशा सभी धातुओं से अधिक भारी होता है, क्लियर। इस तरह से तो सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगा दिया जाता है या तो इन लगा दिया जाता है, इस तरह से किया जाता है, तो यहाँ ऑफ लगा देंगे क्योंकि ऑफ मतलब में से, ठीक है। तो शीशा को जो है सभी धातुओं में से अधिक भारी माना गया है, तो अधिक भारी होता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला है, आठवां नंबर का क्वेश्चन आपका है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें एडजेक्टिव का पता लगाना है दोस्तों। तो एडजेक्टिव देखिए क्या आता है कि एडजेक्टिव के ऊपर भी वीडियो दोस्तों बने हैं, सब पूरा आप देख सकते हैं। तो एडजेक्टिव मतलब ये जो है डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, किसी नाउन का जो है ये वर्णन करता है, उसका विशेषता बताता है नाउन या प्रोनाउन को, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो वाक्य पढ़िए, तो देयर हैज़ नॉट बीन सफिशियंट रेन इन दिस ईयर, इस साल जो है पर्याप्त पानी नहीं हुआ था। पानी आपका नाउन है, इसकी विशेषता क्या, सफिशियंट बता रहा है, तो इस तरह से ये नाउन के पहले आके उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए सफिशियंट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सफिशियंट। और आप आपको कुछ नहीं करना, यही एक शब्द लिख देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, ये एडजेक्टिव। अगला नवा क्वेश्चन आपका आया था जो, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित के लिए जो है एक शब्द लिखिए। तो वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, जो कई भाषाओं को जानता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक शब्द में पॉलीग्लॉट होता है, ठीक है पॉलीग्लॉट, POLYGLOT। तो पॉलीग्लॉट मतलब होता है कई भाषाओं को जानने वाला या बोलने वाला, दोनों भी। अगर आपका क्वेश्चन ऐसा आएगा वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, दोस्तों ध्यान दीजिए कि 19 में नोज करके पूछा है, 20 में पूछ सकता है स्पीक्स, वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेजेस, तब भी आपको पॉलीग्लॉट लिखना है, क्लियर। क्योंकि ये पॉलीग्लॉट एक ऐसा आदमी होता है जो बहुत सी भाषाओं को जानता भी है बोलता भी है। और अगर यही क्वेश्चन ऐसा आया होता, वन हु स्टडीज लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का अध्ययन केवल करता है, स्टडी केवल करता है, तो उसको हम कहते हैं जो है लिंग्विस्टिक, ठीक है, लिंग्विस्ट कहते हैं भाषाओं का जानकार। तो इसलिए इसका सही आंसर जो है पॉलीग्लॉट होगा, इतना ध्यान दीजिए, वन हु नोज मेनी लैंग्वेज या स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, दोनों का आंसर पॉलीग्लॉट हो जाएगा। इस तरह से स्पीक्स अगर आए नोज लेगा तो आप कन्फ्यूज मत होना, पॉलीग्लॉट ही लिख देना, ठीक है। पॉलिक मतलब मेनी होता है, ग्लॉट मतलब वही बोलने वाला, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला या जानने वाला, तो जानेगा तभी बोलेगा। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को पूरा करिए। अब यहाँ क्या किया गया, पूरा करने के लिए आ गया, आई विल सी यू, ठीक है, 4:15 PM, मतलब मैं तुमसे 4:15 शाम को 4:15 पर मिलूँगा। सी मैंने मिलना देखना दोनों होता है, तो यहाँ देखिए एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ एट लगेगा दोस्तों, क्लियर। ये नहीं बताया जा रहा कि 4:15 तक मिलेंगे, एकदम पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एकदम फिक्स टाइम, निश्चित समय 4:15 पर ही मिलूंगा, तो इसलिए पर की अंग्रेजी यहाँ क्या लग जाएगा, ऐट लग जाएगा। दोस्तों अगला देखते हैं, यू वेर स्पीकिंग टू समवन, तुम किसी से क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो इसमें क्या है, कह रहे हैं कि चेंज द फॉलोइंग इन टू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको बदलना है दोस्तों। पास्ट टेंस की कम आपको जानकारी है तो आप प्ले लिस्ट में जाए डिलीट, पूरा 12 टेंस जो है सिंगल वीडियो में बना है, मात्र 45 में आप देख लीजिए, पक्का आपको आ जाएगा। और आपको उसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल RM इंग्लिश क्लासेस सूरतपुर फिर मिल जाएगी आपको, पूरा एक्टिव वैसो और टेंस दोनों की PDF भी आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। यू आर स्पीकिंग टू समवन, तुम किसी से बात कर रहे थे, ठीक है। तो इसका पास्ट परफेक्ट क्या हो जाएगा, वर स्पीकिंग, देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में आपको किया जाता है, पास्ट परफेक्ट बनाना है तो पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया हेड लगा दीजिए, और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पीकिंग का क्या कर दीजिए, स्पोकन कर दीजिए, बस बात खत्म, यू हैड स्पोकन टू समवन हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दो नंबर का जो लिखना हो लिखने पर मिलते हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा, अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। यहाँ इसको इंट्रोगेटिव में जो है बदलना जाएगा, यहाँ जो है टाइपिंग कट गया है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, ये इसको जो है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है, ठीक है।
अब ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, ये था इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करते हैं, सहायक क्रिया पहले लगा देते हैं, विल हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से इंट्रोगेटिव बनाना है, अर्थ वही रहना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन ये कहता है स्ट्रक्चर चाहे जो लिख दो उससे नहीं मतलब, लेकिन अर्थ के साथ कोई समझौता नहीं है, अर्थ वही आना चाहिए। तो मतलब वह नेवर फॉरगेट, कभी नहीं भूलेगा मार्क माई काइंडनेस, मेरी दयालुता, वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। तो ऐसा वाक्य बनाएं जिससे दयालुता को कभी नहीं भूलेगा, उत्तर यही आया था कि ऐसा क्वेश्चन बनाइए। तो आप कह दीजिए बिल ही। देखिए दोस्तों होता क्या है इंट्रोगेटिव में, अगर अफर्मेटिव रहता है तो इंट्रोगेटिव बनाते तो नहीं का सेंस देते हैं, अगर निगेटिव रहता है तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं उसमें नहीं का सेंस नहीं देते, तभी तो उत्तर वही आएगा, बिल ही नेवर का हो जाएगा। ही विल नेवर सहायक क्रिया पहले लगाइए, ही लगाइए सब, उसके बाद सब्जेक्ट लिखिए, नेवर का हो जाता है यहाँ एवर, बिल ही एवर। उसके बाद फॉरगेट माई काइंडनेस, इसको वैसे लिख दीजिए फॉरगेट माई काइंडनेस। अब इसका देखिए उत्तर प्रश्न हो गया ना, अब इसका देखिए पढ़ के अर्थ कैसे, बिल ही एवर फॉरगेट माई लैंग्वेज, सॉरी माई काइंडनेस, एवर माने होता कभी, क्या वह कभी मेरी दयालुता को भूलेगा, तो उत्तर आ जाएगा ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। दोस्तों इसमें होता क्या, नेवर में से हम नॉट निकालते हैं तो एवर बच जाता है, नेवर माने कभी नहीं, एवर माने कभी, इस तरह से इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं, सेकंड टाइप से बना सकते हैं, व्हेन विल ही फॉरगेट माय काइंडनेस, तब नेवर पूरा हट जाएगा कि वह मेरी दयालुता को कब भूलेगा, तब भी हो जाएगा ही विल नेवर फॉरगेट माय काइंडनेस। इस तरह से आप सेकंड टाइप से व्हेन से बनाओगे तो व्हेन विल ही नेवर हट जाएगा फॉरगेट माय काइंडनेस, ये भी सही है, या फिर विल ही एवर फॉरगेट माय काइंडनेस, ये भी वाक्य एकदम करेक्ट है। तो आई होप समझ गए होंगे, आप इसको नोट भी कर लीजिए, नहीं तो आप वीडियो एक दोबारा और देख लीजिए, कम समझ में आया तो। चलिए अगला देखते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को सही करो, तो इसमें कुछ गलतियां हैं वही आपको करना है सही, देखते हैं क्या गलती है। वी डिस्कस्ड अबाउट द मैटर स्टडी, हम कल मामले के बारे में चर्चा किए थे, तो इसमें गलती क्या जानते हो, डिस्कस्ड, डिस्कस्ड एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता है, तो यहाँ अबाउट लगा दिए, यही गलती है, आप अबाउट हटा दीजिए, वाक्य एकदम आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा वी डिस्कस्ड द मैटर स्टडी, हम कल मामले पर चर्चा किए थे, तो डिस्कस मतलब किसी चीज़ पर चर्चा करना, तो या किसी चीज़ के बारे में चर्चा करना, तो हम कल मामले के बारे में चर्चा किए थे, तो बारे में क्या अर्थ डिस्कस में छिपा है, अलग से अबाउट नहीं लगता है, ये ग्रामर का रूल है कि कुछ क्रियाएं ऐसे होते हैं जिनके बाद वर्ब नहीं लगता है, जैसे इंटर के साथ इंटू नहीं लगता है, ही इंटर द टेम्पल, व इंटर द रूम, व कमरे में प्रवेश किया, उसी तरह से डिस्कस साथ अबाउट नहीं लगता, तो आप इसमें अबाउट हटा दीजिए, वाक्य सही। दूसरा है जॉन इज टायर्ड इन डूइंग हिज वर्क, जॉन काम करने में क्या, इस काम को करने में थक गया है, तो इसमें गलती क्या है, अब देखिए इसमें इन नहीं लगेगा, ठीक है दोस्तों, टायर के साथ हमेशा ऑफ लगता है, फिक्स प्रीपोजिशन, जैसे कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो फिक्स रहती हैं, मतलब उसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स रहता है, तो उसके साथ जो है ऑफ लगता है, ठीक है दोस्तों। इसके फिक्स प्रीपोजिशन के ऊपर भी हम वीडियो बनाए, ग्रामर की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा कि कौन से वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ देखिए गलत प्रीपोजिशन लगा के इसके सुधारने के लिए कहा है, टायर के साथ आप लगेगा इन लगा दिया, अब पहले वाले में अबाउट लगेगा ही नहीं, कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा तब भी लगा दिया, इस तरह से ये दोनों गलती सुधार दोगे तो आपको दो नंबर मिल जाएगा। तो डिस्कस साथ कुछ प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, अबाउट हटेगा, टायर्ड साथ हमेशा ऑफ लगे, इतना जान लीजिए ही टायर्ड ऑफ हिज वर्क, ठीक है, या डूइंग वर्क कुछ भी रहेगा, ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ योर हैबिट, मैं तुम्हारी आदतों से थक गया हूँ, ये परेशान हो गया, टायर्ड मतलब थक जाना, परेशान हो जाना। तो चलिए देख लेते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन, डिफाइन एडजेक्टिव विथ एग्जाम्पल, एडजेक्टिव का जो है उदाहरण के साथ आप क्या करिए, परिभाषा लिखिए। दोस्तों एडजेक्टिव के बारे में वीडियो बने हैं, प्ले लिस्ट में आप देख लीजिए, परिभाषा उदाहरण सब कुछ दिया गया है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए अगर नहीं जानते, तो आप लिख लीजिए कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडजेक्टिव इज ए वर्ड, एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है, ठीक है, विच क्वालिफाइज, जो क्या करता है, क्वालिफाइज, क्वालिफाइज माने होता है विशेषता बताना, क्यू यू ए एल आई एफ आई एस, विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बतलाता है, बस इतना आप लिख लीजिए, एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन आर प्रोनाउन या ए नाउन आर प्रोनाउन, ऐसे भी कह सकते हो। इसके बाद इसका कुछ एग्जांपल लीजिए एडजेक्टिव में, जैसे मान लीजिए गुड, गुड माने अच्छा, जैसे ही इज गुड बॉय, वो अच्छा लड़का, लड़का बहुत लेकिन वो अच्छा है, तो उसकी विशेषता हो गई। क्लियर जैसे हम कहते हैं सिला इज ए क्लियर गर्ल, सिला चतुर लड़की, लड़की बहुत लेकिन वो चतुर है, ठीक है। अकबर वाज ए गुड किंग, अशोक वाज ए ग्रेट किंग, इस तरह से गुड, ग्रेट, क्लियर, कलर में कोई कलर है, रेड हो, वाइट हो, ये सभी सीमा आ जाता है, ब्लैक हो, सब रंग भी सीमा जाएगा, जेंटल है वह, सज्जन है, ये भी सीमा जाएगा, ठीक है। उसका रूप, रंग, आकार, तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं,
इस तरह से गुड बैड क्लियर ठीक है ब्लैक जेंटल ईटीसी इसके एग्जाम्पल हो गए। अब देखिए कंप्लीट द स्पेलिंग फॉलोइंग वर्ड्स, निम्नलिखित शब्दों का जो है स्पेलिंग पूरा करिए। तो दोस्तों ये स्पेलिंग जो अभ्यर्थी पेपर देने गए थे खुद कर दिए हैं पूरा, तो आप देख लीजिए। बिलीव पहले में बिलीव पूछा था तो इस ठीक है बी ई एल आई ई वी ई सही स्पेलिंग है, ई भरना था आई ई भरना था। स्ट्राइक दूसरा स्ट्राइक पर हड़ताल होता है, बिलीव मन विश्वास करना, एस टी आर आई के हड़ताल भी होता है प्रहार करना भी होता है। तो इस तरह से स्पेलिंग मिस्टेक भी आती है ठीक है, तो दो नंबर का इस तरह से हो जाएगा। अगला देखते हैं राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, अपने दोस्त को एक पत्र लिखो उसे अपनी बहन की शादी में जो है क्या करो इनवाइट करो। तो यहाँ दोस्तों ठीक है बहन की शादी में इनवाइट करने के लिए लेटर लिखना है, तो आइए देख लेते हैं इसका हम लेटर। देखिए दोस्तों ये बहन की शादी में ठीक है अपने फ्रेंड को इनवाइट करने के लिए लेटर है, जो कि बहुत आसान भाषा में है, आप इस इतना याद कर लेंगे क्योंकि समय भी कम है, बहुत बड़ा लेटर नहीं याद कर पाएंगे तो आराम से लिख लेंगे, बाकी आप खुद भी बना के लिख सकते हैं। देखिए करना क्या, प्रारूप जान लीजिए। लेटर में क्या किया जाता है, पहले ऊपर आप पता डाल दीजिए, जैसे मान लें गाजियाबाद, फिर स्थान का नाम कोई भी पिन कोड वगैरह डाल सकते हैं, या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, आप सुल्तानपुर कादीपुर जो भी है कादीपुर डाल के कोई भी गली का नंबर या 21 जो भी कहते हैं 225 कुछ भी डाल सकते हो, या डायरेक्ट बता दो कि सुल्तान ठीक है कादीपुर ठीक है सुल्तानपुर ऐसे डाल दो, अपना एड्रेस डाल दो साइड में, विलेज और पोस्ट ये सब नहीं लिखना, डायरेक्ट एक स्थान बताओ उसके बाद जिला बता दो ठीक है। उसके बाद जो है आपको दिनांक डाल देना है, यानी कि ऊपर पता और दिनांक डालना है इस दाहिने साइड में, जहाँ बैठो आप अपने दाहिने साइड में। बाएं साइड में क्या करना है आपको डियर करके अपने दोस्त का नाम कर देंगे, डियर राजू डियर सुरेश ठीक है कुछ भी नाम आप लिख दो, और या फिर आप माई डियर भी कर सकते हो ठीक है, और डियरेस्ट फ्रेंड भी कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो। तो डियर करके अपने दोस्त का नाम लिखो, उसके बाद बताओ बहन की शादी में इनवाइट करना है दोस्त को। तो देखिए बहुत सरल तरीके से आप इसको आराम से याद कर लेंगे, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, मतलब इसका हिंदी होता है बड़े हर्ष के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि, या मैं आपको सूचित करने के लिए बहुत खुश हूँ कि द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, अब मेरी बहन की शादी, बहन का नाम बता दो कल्पना कुछ भी बता दो कोई दिक्कत नहीं, तो मेरी बहन ठीक है कल्पना की शादी हैज़ बीन सेटल टूडे, आज तय हो गया, सेटल माने पड़ जाना है, तय हो जाना आज पड़ गई है, द मैरिज पार्टी विल कम हियर फ्रॉम दिल्ली, मैरिज पार्टी मतलब बारात, बारात पार्टी मतलब शादी का दिल नहीं बारात, विल कम हियर फ्रॉम दिल्ली ऑन 25th अगस्त एट 5 PM, दिल्ली से 25 अगस्त को शाम 5 बजे आएगी ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी स्थान बता दो कि दिल्ली से आएगी लखनऊ से आएगी कानपुर से कहीं से बता दो, और शाम को 5 बजे बता दो या 6 बजे बता दो 7 बजे बता दो आपकी इच्छा ठीक है, जितने टाइम पर बारात आती है 5-6 बजे आप बता दो। योर कमिंग इज़ वेरी एसेंशियल, आपका आना बहुत आवश्यक है ठीक है, तो हियर आई एम ऑल एलोन, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, तो एसेंशियल माने आवश्यक, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ बता दीजिए, देर इज़ नन टू हेल्प मी, मेरी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तो प्लीज़ डू कम प्लीज़ कम माने आना, डू कम मतलब अवश्य आना, कृपया अवश्य आना, डू बात पर जोर देने के लिए लगता है, एंड हेल्प मी इन द फंक्शन, और फंक्शन माने समारोह, शादी के समारोह में मेरी क्या करिए सहायता करना, आई एम श्योर मुझे विश्वास है, श्योर मतलब विश्वास होना पक्का विश्वास होना, यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, डिसअपॉइंट मतलब निराश करना, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, एनेक्सियसली वेटिंग फॉर योर अराइवल, एनेक्सियसली मैंने उत्सुकता के साथ बेसब्री के साथ वेटिंग इंतजार कर रहा हूँ फॉर योर अराइवल आपके आने का, एंड टाइमली हेल्प और समय से सहायता करने की, आपके आने की और समय से सहायता करने का बेसब्री से इंतजार रहेगा, योर सिंसियरली, आपका सिंसियरली माने होता है घनिष्ठ मित्र ठीक है, तो उसके बाद एक्स वाई जेड कर दो, या सिंसियरली की आप लविंगली भी कर सकते हो ठीक है, एल ओ वी आई एन जी एल वाई इसको भी आप कर सकते हो आपकी इच्छा ठीक है, दोनों कर सकते हो ठीक है ना, तो योर सिंसियरली दोस्त के लिए स्पेशली इस सिंसियरली का प्रयोग करना चाहिए, एस आई एन सी ई एल सिंसियरली मतलब घनिष्ठ मित्र, आपका घनिष्ठ मित्र एक्स वाई जेड नाम नहीं बताना ठीक है। तो इस तरह से आप जो है आराम से लिख लीजिएगा। चलिए अब हम जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा डायरेक्ट एंड डायरेक्ट से आया 17 नंबर का क्वेश्चन, ही सेड आई एम हंग्री, उसने कहा कि मैं क्या हूँ भूखा हूँ, तो इसमें जो है करना क्या है, तो सेड के बाद अगर कुछ नहीं रहता है ऑब्जेक्ट तो हम सेड को सेड ही रहने देते हैं, तो ही सेड सेड के बाद आपका ये दैट आई का जो है फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, बर्ब आपका सेड है सब्जेक्ट ही है, तो दैट आई का ही हो जाएगा, आई एम का जो है यहाँ सेड है तो आई एम का वाज हो जाता है, टेंस परिवर्तन करते हैं तो हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज हंग्री, उसने कहा कि वह भूखा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो इनडायरेक्ट आया, अगला हमारा है राजू सेट, राजू ने कहा रमेश हैज़ बीन ईटिंग फूड, रमेश जो है भोजन कर रहा है, अब यहाँ क्या है
तो देखिए सेट के बाद भी यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं तो आप दैट लगा दीजिए, फिर उसके बाद रमेश का रमेश ही रहने दीजिए, ठीक है। रमेश ही हो गया, हैज़ का क्या हो जाएगा, हैड, बस आगे सब कुछ वही रहेगा, हैड बीन ईटिंग फूड, ठीक है, क्योंकि हैज़ का हैड कर दें पास्ट टेंस हो जाएगा। आप आगे देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन जो आया है, ठीक है, तो पॉल्यूशन पे आया है, पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। तो आप देखिए कह रहा है कि राइट फोर सेंटेंस ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, निम्नलिखित टॉपिक में से किसी एक पर चार वाक्य लिखिए। तो चार वाक्य में आपको निबंध लिखना है, चाहे प्रदूषण पर आप लिख लीजिए, पॉल्यूशन माने प्रदूषण होता है, चाहे वैल्यू ऑफ हेल्थ स्वास्थ्य के, वैल्यू माने कीमत, चाहे किसी पर आप लिख दीजिए। तो आइए इन पर हम निबंध को देखते हैं, आइए देखते हैं निबंध, चार लाइन ही लिखना है आपको, प्रदूषण पर देख लेते हैं, फिर वैल्यू ऑफ हेल्थ पर भी देख लेते हैं, आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं। तो यहाँ जो है चार वाक्य आपको मिलेंगे। पहला है, पॉल्यूशन इज का इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट दैट कॉज एडवर्स चेंज। दोस्तों एक बात बता रहे हैं, वीडियो हमारी लंबी हो जा रही है भले, लेकिन आपको हम हर चीज़ कायदे से बताए हैं, एक बार देख लेंगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी आएगा तो आप कर लेंगे, क्योंकि हर चीज़ के रूल भी बताए हैं, ट्रिक भी बताएँ, क्यों ये सही है उसका कारण भी बताएँ, तो इसलिए आप अगली वीडियो प्रयास करेंगे थोड़ा सा छोटी हो जाए, ठीक है। तो ये पहला वीडियो था, पेपर सॉल्व करने का तरीका भी बताया, इसलिए लंबी हुई, तो इसलिए आप बने रहें, पूरी वीडियो को देखिए, देखने के बाद आपको जो भी मैटर मिलेगा एकदम कट ठोस मिलेगा और आप कभी नहीं भूलेंगे। देखिए रही बात निबंध के, निबंध आप अपने हिसाब से बना लिख के लिख सकते हैं, लेकिन नहीं बना पाते हैं तो आप इसको याद कर लीजिए। पॉल्यूशन माने प्रदूषण होता है, ठीक है, प्रदूषण के बारे में देखिए, पॉल्यूशन इज द इंट्रोडक्शन, प्रदूषण आगमन, इंट्रोडक्शन में परिचय आगमन ऑफ कंटेमिनेट्स, कंटेमिनेट्स मतलब दूषित पदार्थ जो होते हैं, तत्व होते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं कंटेमिनेट्स, इन टू द नेचुरल इन्वायरमेंट माने प्राकृतिक वातावरण में। तो प्रदूषण वास्तविक वातावरण में या प्राकृतिक वातावरण में प्रदूषित पदार्थों का आगमन है, दैट कॉज एडवर्स चेंज, जिसके कारण जो है प्रतिकूल परिवर्तन होता है, एडवर्स माने प्रतिकूल, चेंज माने परिवर्तन। दूसरा वाक्य है, पॉल्यूशन कैन टेक द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस, प्रदूषण ले सकता है फॉर्म माने रूप, केमिकल रासायनिक सब्सटेंस माने पदार्थ, और एनर्जी अथवा ऊर्जा। तो प्रदूषण कह रहे हैं कि रासायनिक पदार्थों का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब रासायनिक पदार्थों से प्रदूषण हो सकता है, एनर्जी जो ले रहे हैं रासायनिक के माध्यम से तो उससे भी हो सकता है, सच है जैसे नॉइज, जैसे मतलब नॉइज मतलब शोर से, हीट माने गर्मी से, या ठीक है लाइट अथवा प्रकाश से, इस तरह से मतलब कि बनाते रहते हैं सब साधन, तो उससे भी प्रदूषण बढ़ता है। तो तीसरा वाक्य है, पोल्यूटेंट्स मतलब प्रदूषक जो है, प्रदूषक पोल्यूटेंट्स माने द कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन, जो प्रदूषक होते हैं, तो कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूशन प्रदूषक के घटक होते हैं, कैन बी इजियर आइदर फॉरेन सब्सटेंस, ये या तो आइदर मतलब या तो फॉरेन सब्सटेंस मतलब विदेशी पदार्थ और एनर्जी होते हैं, विदेशी पदार्थ होते हैं, और नेचुरली आकरिंग कंटेमिनेंट्स अथवा प्राकृतिक रूप से आकरिंग मतलब होना या घटित होना, कंटेमिनेंट्स माने दूषणकारी तत्व अथवा प्राकृतिक रूप से दूषणकारी तत्वों में हो जाते हैं या आ जाते हैं, आकरिंग माने होना या ना, प्राकृतिक रूप से दूषणकारी तत्वों में आ जाते हैं, ये पदार्थों में आ जाते हैं। पॉल्यूशन इज ऑफन क्लास्ड, पॉल्यूशन का प्राय जो है क्लास्ट माने वर्गीकृत किया गया, एज पॉइंट सोर्स, ठीक है, पॉइंट मतलब बिंदु के रूप में, सोर्स स्रोत आर नॉन पॉइंट सोर्स अथवा नॉन पॉइंट सोर्स मतलब दो पॉइंट सोर्स या नॉन पॉइंट स्रोत के रूप में इसे वर्गित किया गया है प्राय, ठीक है, पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन, नॉन पॉइंट सोर्स पॉल्यूशन। इन 2015 2015 में पॉल्यूशन किल्ड 9 मिलियन पीपल इन द वर्ल्ड, पॉल्यूशन से संसार में 90 लाख लोग मर गए थे, 9 मिलियन माने 90 लाख, क्योंकि 1 मिलियन में 10 लाख होता। इस तरह से आप पॉल्यूशन के बारे में ये सभी सेंटेंसेस आप आराम से लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो कि कुछ भी चार वाक्य तो आराम से बना सकते, छोटा सा निबंध कक्षा 10 में पढ़े होंगे या और भी क्लास में 12 में कि पॉल्यूशन। देखिए आप दूसरा सेंटेंस भी हम बता दे रहे हैं, जैसे अपने मन से बनाएंगे कि बता दें कि देर आर मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर कंट्री, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ वन ऑफ देम, हैज़ बीन बिकम वन ऑफ देम, उनमें से प्रदूषण की समस्या एक गंभीर समस्या होगी, इट इज ठीक है, मेनली 3 काइंड से मुख्य रूप से 3 प्रकार के, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, इस तरह से 3 प्रकार बता सकते हैं या फिर और भी प्रकार बता सकते हैं। उसके बाद एयर पोल्यूशन के बारे में बता दो कि ठीक है, कम्स आउट फ्रॉम द चिमनीज ऑफ ठीक है फैक्ट्रीज और मिल्स, मिलो फैक्ट्रियों की जो चिमनियाँ लगती हैं उसमें से एयर पोल्यूशन होता है, तो फॉग से होता है, ठीक है, स्मोक से होता है। अब देखिए ठीक है, दिल्ली में कितना प्रदूषण हुआ था, तो इस पर जो है सरकार रोक लगाए पुआल वगैरह जलाने की, ये सभी बातें आप लिख सकते हैं जनरल लाइफ से, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के बारे में बता दें कि वाटर पोल्यूशन
द वाटर ऑफ द गंगा एंड मेन रिवर्स हैव बीन पोल्यूटेड, ठीक है, पीपल ड्रिंक दोज वाटर्स एंड इनवाइट ए नंबर ऑफ डिजीज, लोग उन पानी को पीते हैं, बहुत सी बीमारियों को आमंत्रित कर देते हैं, इस तरह से बता दी कि ठीक है, वी शुड क्लीन इट, हमें इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसे साफ सुथरा रखना चाहिए, ये सब बातें आप लिख सकते हो, ठीक है। और मृदा प्रोसेसिंग में बता दो कि देर आर मेनी केमिकल्स यूज इन, ठीक है, एंड ड्रग्स यूज इन फील्ड, खेतों में बहुत से रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं एंड बाय द रिजल्ट तो सॉयल हैज़ बीन पोल्यूटेड, ठीक है, प्रदूषित हो गया मिट्टी, इस तरह से तमाम सारी बातें आप अपने हिसाब से बना सकते हो या फिर आप सेम टू सेम यही याद कर लीजिए। तो चलिए वैल्यू ऑफ हेल्थ के बारे में देख लीजिए, अगर आपको एक कठिन लगे तो इसको याद लिख दीजिए, स्वास्थ्य का कीमत, तो इसके ऊपर चार वाक्य आपको बनाना, इट इज सेड हेल्थ इज वेल्थ, ऐसा कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है, दूसरा वाक्य है इट इज इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट, यदि स्वास्थ्य खो जाता है एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो सब कुछ खो जाता है। अब तीसरा वाक्य है इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट, यदि स्वास्थ्य खो जाता है द कैपेसिटी टू वर्क इज लॉस्ट, कार्य करने की क्षमता खो जाती है। चौथा इनएबिलिटी टू वर्क, कार्य करने की असमर्थता लीड्स टू पॉवर्टी, गरीबी की तरफ ले जाती है एंड मिजरी और कष्ट की तरफ ले जाती है। ऑन द अदर हैंड इसके विपरीत देखें तो इफ वी हैव हेल्थ, यदि हमारे पास स्वास्थ्य है वी आर एबल टू वर्क, तो हम काम करने के योग्य हो जाते हैं एंड इन एंड दिस इन टर्न, और यह बदले में एड टू आवर वेल्थ, हमारे संपत्ति को बढ़ाता है। देयर फॉर इसीलिए गुड हेल्थ इज वन ऑफ द बेसिक फाउंडेशन ऑन, कि मतलब अच्छा स्वास्थ्य एक आधारभूत फाउंडेशन माने नींव है ऑन विच जिस पर आर लाइव्स आर बिल्ट, हमारा जीवन बनता है। तो इस तरह से ये चार वाक्य आप लिख सकते हैं, और वाक्य आप लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, जैसे गुड हेल्थ इज द स्टेट ऑफ ऑलराउंड फिजिकल सोशल, अच्छे स्वास्थ्य से की दशा से हर प्रकार से शारीरिक सोशल सामाजिक मेंटल मानसिक वेल बींग ऑफ ए पर्सन, से व्यक्ति ठीक रहता है विच इनेबल्स हिम टू लिव एंड वर्क, जो उसे योग्य बनाता है जीवित रहने के लिए एंड वर्क नॉर्मली और सामान्य उसे कार्य करते रहने के लिए एंड टू, अब इतना ही लिख दीजिए, काफ़ी बहुत ज़्यादा लिखेंगे, ठीक है, इसने से आपका काम कर जाएगा, अगर बड़ा करेंगे तो हो जाएगा एंड टू रेसिस्ट द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, और वातावरण के नकारात्मक इम्पैक्ट मतलब प्रभाव के रेसिस्टमेंट रोकने के लिए उसे बना देता है, ये सब ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ आर इंटर रिलेटेड, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे से संबंधित है। इट इज पॉपुलर सेइंग दैट, यह एक लोकप्रिय कहावत है कि हेल्थी माइंड लिव्स इन ए हेल्थी बॉडी, कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता। इस तरह से आप बना सकते हो कि इसमें चार वाक्य, आप अपने मन से भी हेल्थ के बारे में आप जान ही रहे हो तो बना के लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं यही सेंटेंसेस लिखो। तो इस तरह से ओवरऑल मैं पूरा पेपर आपको हल करा दिया, विस्तृत तरीके से बताया, तरीका भी बताया कैसे लिखना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दिए, सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आपको ऐसे और भी यूज़फुल वीडियो मिलेंगी, कि वीडियो थोड़ा लंबी हो गई लेकिन आगे से पेपर हम बनाएंगे तो उसमें वीडियो छोटी रहे, क्योंकि उसमें हमको सभी रीजन्स नहीं बताने हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करना है, कि पॉइंट टू पॉइंट बताते जाएंगे। तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा।